हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योत्सना, मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप का मैंगो डेजर्ट बनाएंगे। एक बार इस डेजर्ट को खाएंगे आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। आप इसके अंदर के लेयर को देखिए, लग रहा है ना सुपर्ब। इसका टेस्ट वाकई बहुत ही डिलीशियस है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं चाहती हूँ मैं आपसे जुड़ू, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके एक सब्सक्राइब से मैं इनकरेज होती हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। इसे बनाने के लिए हमने 3 पके हुए मालदा आम लिया है। आप कोई भी क्वालिटी के आम ले सकते हैं, सिर्फ देखना यह है कि आम मीठा होना चाहिए। 700 ग्राम मिल्क यानी कि दूध लिया है। इसे स्टर्ट करते हुए थोड़ा थिक कर लेना है। मैं इसमें केसर डाल रही हूँ। केसर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। स्वीटनेस के लिए 1/2 कप शुगर यानी कि चीनी को भी ऐड कर लेंगे। हमने जो केसर को दूध में सोख होने के लिए रखा था उसे भी ऐड कर लेंगे। फ्रिगनेस के लिए हमने इलायची पाउडर को भी ऐड कर लिया है। और ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं, हमारा दूध सूखकर 1/4 हो गया है, तो फ्लेम को बंद कर देंगे। जब तक ये ठंडा होता है चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैंगो को पील कर लेना है। हमने तीनों आम को छील लिया है, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। हमने तीनों आम को काट लिया है। अब एक मिक्सी ग्राइंडर लेना है। जार में आम के टुकड़े को डाल लेंगे, साथ में 2 टेबल स्पून चीनी को भी ऐड कर लेंगे। शुगर नहीं खाते तो 3 स्पून हनी ऐड कर लें। हमें इसका फाइन प्यूरी तैयार करना है, इसके लिए हमें इसे ग्राइंड करना होगा। हमारा प्यूरी बनकर तैयार है, तो इसे ट्रांसफर कर लेंगे किसी बॉल में। अब करना यह है कि एक स्क्वायर शेप का या फिर आपके पास जिस भी शेप का बॉक्स या फिर मोल्ट अवेलेबल है उसे ले लें। इस मोल्ट में सबसे पहले 1/2 मैंगो प्यूरी को डालेंगे, फिर मोल्ट को टैप करते हुए इस प्यूरी को स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे। फिर नेक्स्ट में मैंगो प्यूरी के ऊपर हमने जो दूध का रबड़ी सा बनाया था उसके ऊपर ऐड करते हुए इसे भी फैला लेंगे। पूरे बॉक्स में इक्वल क्वांटिटी में फैलाना है। डबल लेयर डालेंगे। रबड़ी डालने के बाद इसके ऊपर मैं बिस्किट डाल रही हूँ। टोटल 10 बिस्किट डाले हैं हमने। 2/2 का 4 लेयर है और 1/2 का 1 बिस्किट है। अब जो 1/2 मैंगो प्यूरी बची है उसे बिस्किट के ऊपर डालकर फैला लेना है। अब करना यह है कि मैंगो को इस तरह से काटना है। इसकी थिकनेस 1/2 इंच होनी चाहिए। मैंगो शेप देने के लिए सबसे पहले आप पेपर को मैंगो शेप में काट लें, फिर इस आम के टुकड़े पर रख के मैंगो शेप में इसे कट कर लें। इसी तरह से आपको 8-10 पीसेस मैंगो शेप में काट लेना है। कटे हुए मैंगो को बॉक्स के चारों तरफ लगा देना है। इस डेकोरेशन को देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। अब जो आम के पील है यानी कि छिलका है, इससे हम आम लीफ यानी कि पत्ते बना लेंगे। इस तरह से लीफ काटे या फिर पेपर का लीफ बनाकर आम पील पर रखकर काट सकते हैं। हमने बहुत सारे लीफ को काट लिया है। 2 आम के बीच में हमने रबड़ी को भी डाला है। अब करना यह है कि मैंगो के दोनों साइड में लीफ को सेट करेंगे, जिससे कि देखने में थोड़ा डिफरेंट और सुंदर दिखे। आपने देखा इसे बनाना कितना इजी था। इसे डीप फ्रीजर में रख देना है ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद मैं इसे खोलकर दिखा रही हूँ। थोड़ा ऊपर में आइस है, 1 मिनट इसी तरह से छोड़ देते हैं। है ना एकदम ही डिफरेंट। मैं इसे काट कर दिखा रही हूँ। इसके अंदर का लेयर को देखिए, लुक सो यम्मी और इसका टेस्ट लाजवाब है। तो आप इसे बनाएं और फिर आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें। ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें मेरे साथ। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। बगल में घंटी होगी उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।